शो नहीं हो रही अभी तक लाइव। ऑलराइट, सो गुड इवनिंग एवरीबडी, वेलकम टू जेके एग्जाम क्रैकर। माय नेम इज तान्या अब्रोल। आज से मैं आप लोगों की स्टार्ट कर रही हूँ इंग्लिश चैप्टर्स की सीरीज फॉर ऑल द जेके एसएसबी एग्जाम्स जो होने वाले हैं। फॉर एग्जांपल जेके पीएसआईएफ EVW जूनियर असिस्टेंट या फिर जो भी अपकमिंग एग्जाम्स जेके एसएसबी के हैं जिसमें जनरल इंग्लिश आपका सब्जेक्ट है, उनसे रिलेटेड सभी टॉपिक्स के लेक्चर्स, बेसिकली द प्रैक्टिस सेट्स, आप लोगों को मेरी लेक्चर सीरीज में मिलेंगे। ठीक है, ये आपकी क्लास वन है। वी आर स्टार्टिंग विद द टॉपिक टेंस, क्योंकि बेसिक टॉपिक है, वर्ब भी इसमें आ जाता है, सबको इसमें प्रॉब्लम भी काफी रहता है। तो कुछ क्वेश्चंस हम इसके बेसिस पे देखेंगे कि क्या पैटर्न है आपका, एग्जाम लेवल क्या है, जेके एसएसबी का पैटर्न क्या है, किस तरह के क्वेश्चंस टेंस में से हमको पूछे जाते हैं। ठीक है, सो आज स्टार्ट हो रही है। अभी से इन्फॉर्म कर दूं, एवरी डे ये क्लास आपकी 4 बजे ही होगी। ठीक है, आफ्टर द क्लास इवनिंग में आप लोगों को इसका पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल पर एज वेल एज हमारे ऐप पे फ्री स्टडी मटेरियल में भी आप लोगों को मिल जाएगा। ठीक है, ये तो था क्लासेस का इंफॉर्मेशन। इसी के साथ आप लोगों को बता दूं कि हमारी ऐप पर नवरात्रि सेलिब्रेशन चल रहा है, नवरात्रि चल रहे हैं, सबको मालूम है। तो देयर इज अ 20% ऑफ ऑन ऑल द कोर्सेस, सभी कोर्सेज पे, वेदर आप मॉक टेस्ट लेते हो, आप लाइव क्लासेस ज्वाइन करते हो, आप ऑनलाइन रिकॉर्डेड लेक्चर्स खरीदते हो, सब पे आपको 20% ऑफ मिलता है। आपको जस्ट ये कोड यूज करना है, NAV20। डन। उसके साथ एक और इंफॉर्मेशन कि हमारी ऑनलाइन क्लासेस, जो नया बैच है, अपकमिंग बैच, उसकी ऑनलाइन क्लासेस तो इस मंडे को ही स्टार्ट हो चुकी हैं। अब ऑफलाइन क्लासेस भी हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं 6th of October से। जो कमिंग वीक है आपका, कमिंग थर्सडे होगा, तब से हम लोग अपना ऑफलाइन का नया बैच फिर से स्टार्ट कर रहे हैं। ऑफलाइन क्लासेस के लिए काफी स्टूडेंट्स का रिक्वेस्ट था, सो वी आर प्लानिंग कि हम लोग नया बैच फिर से स्टार्ट करें। तो आप लोग हमारे ऑफलाइन इंस्टीट्यूट विजिट कर सकते हैं, हियर इज द गिवन नंबर, आप लोग गिवन नंबर पे भी कॉल कर सकते हो। एंड काफी स्टूडेंट्स का कॉल हमें आया कि उन्हें सिर्फ सिंगल सब्जेक्ट जो है मेरे, उसके कोर्सेज उन्हें चाहिए, वो पूरा कोर्स ज्वाइन नहीं करना चाहते, दे ओनली वॉन्ट कंप्यूटर और दे ओनली वॉन्ट इंग्लिश। तो उसके लिए भी आपको जस्ट डाउनलोड करना है हमारा एप्लीकेशन, दैट इज जेके एग्जाम क्रैकर। आपको सिर्फ मेरा कंप्यूटर कोर्स चाहिए फॉर ऑल दी जेके एस एस बी एग्जाम्स। सारे टॉपिक्स हैं, सारे नोट्स हैं, सारे पीडीएफ्स हैं, सारे क्वेश्चन सेट्स हैं, इंक्लूडिंग प्रीवियस ईयर्स। ठीक है, सब कुछ एक कॉम्बो यहाँ पर मिलेगा। अगर इंग्लिश का चाहिए तो इंग्लिश का भी है, नोट्स, प्रैक्टिस क्वेश्चंस, प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस, वीडियो लेक्चर्स, एवरीथिंग इज हियर इन दिस पर्टिकुलर कोर्स। ज्यादा कॉस्ट नहीं है, अंडर 500, 20% ऑफ भी चल रहा है, तो यू विल गेट द ऑफ ऑफ ऑल्सो ऑन दीज कोर्सेज। ठीक है, तो मेरे कंप्लीट कोर्सेज चाहिए तो दीज आर माई कोर्सेज। ठीक है एवरीबडी। अच्छा, तो अब आपके क्वेश्चन है, फ्री वालों को कुछ नहीं। देखिए, ये जो क्लासेस चल रही है, आई गेस दीज आर एक्सेसिबल टू एवरीबडी, कोई भी कहीं पे भी बैठ के एक्सेस कर सकता है। तो ऐसा नहीं है कि फ्री में कुछ नहीं है। अगर मैं आपको अपना दिन में 1 या 2 घंटे निकाल के यूट्यूब पे क्लास दे रही हूँ, तो आई एम सर्विंग टू यू ऑल्सो, राइट। और कोई क्वेश्चन, कंप्यूटर का पीडीएफ, कंप्यूटर के जो भी पीडीएफ्स हैं वो हमारे टेलीग्राम पर होंगे कोमल, आप वहां पे जाके चेक कर लो। चलिए, लेट्स बिगिन द क्लास देन। हम लोग क्लास स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे आपके क्वेश्चंस हैं, और क्वेश्चंस कैसे हैं, आपको दो टाइप के क्वेश्चंस आज मैं करवाने वाली हूँ टेंस पे। एक तो एरर कैसे डिटेक्ट करना है, क्योंकि जानते हो जेके पीएसआई में और VLW में एरर करेक्शन, एरर डिटेक्शन जैसे क्वेश्चंस भी हैं सिलेबस में, और FAA में हमें पास सिर्फ फिल इन द ब्लैंक्स है, तो यू विल हैव फिल इन द ब्लैंक्स ऑफ क्वेश्चंस आल्सो, और आपके पास बाकी सेंटेंस बेस्ड क्वेश्चंस भी होंगे। तो आंसर देना सब लोग शुरू कर दो। ओपन सोर्स एंड टेक्नोलॉजी, रोल ऑफ आईटी इन गवर्नेंस, दोबारा से करवा दो मारिया। ये वाले वीडियोस जो हैं, एक बार आप यूट्यूब पे वॉच कर लो। ठीक है, इतना आप लोग कर लो। उसके जो क्वेश्चंस मैंने आपको करवा के रखे हैं वो भी आप लोग कर लीजिए, फिर भी कोई डाउट रहेगा देन यू कैन आस्क मी। ऑलराइट, सो एवरीवन इज गिविंग ऑप्शन बी एज आंसर, और कुछ लोग आंसर दे रहे हैं ऑप्शन नंबर डी।
लेट मी करेक्ट. जिन्होंने आंसर बी दिया है, देखो, इफ ही हैड हेल्प मी ही डैश विल नॉट बी ड्रोन, वुड नॉट बी ड्रोन, विल नॉट हैव, वुड नॉट हैव. यहां पे जो करेक्ट आंसर है आपका वो है ऑप्शन नंबर डी, नॉट ऑप्शन नंबर बी. अब मुझे पता है काफी स्टूडेंट्स को यहाँ पे लगता है ऑप्शन बी सही होगा, सबका आंसर भी बी आ रहा है, बट इट इज नॉट करेक्ट. हमें इफ वाला जो फ्रेज होता है, इफ वाला जो क्लॉज होता है, उसको हम जनरली तीन टेंस में लिखते हैं. मैंने बहुत बार क्लास में बताया है, इफ या तो प्रेजेंट टेंस, जो आपका प्रेजेंट इंडेफिनेट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है, पास्ट इंडेफिनेट जहां वर्ब की सेकेंड फॉर्म होती है, या फिर पास्ट परफेक्ट जहां पे हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है. जब डब्ल्यू वन है, लाइक वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, तो हम नेक्स्ट पार्ट में विल, शल, ऐसा फ्यूचर टेंस, सिंपल फ्यूचर टेंस यूज करते हैं. जब सेकेंड फॉर्म है तो वुड लगता है उसके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म. जब हैड और वर्ब की थर्ड फॉर्म में, जैसे देखो यहाँ पे हैड है और हेल्प्ड है, हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो क्या आएगा, वुड के साथ हैव और वर्ब की थर्ड फॉर्म, जैसे कि ऑप्शन डी में दिया है, वुड नॉट हैव वर्ब की थर्ड फॉर्म. वुड सिर्फ तब लगेगा जब यहाँ पे सिर्फ इफ ही हेल्प्ड हिम होता, यहाँ पर हैड नहीं होता, ठीक है. तो ये वाला कंडीशन यहाँ पर लगेगा. आंसर इज ऑप्शन नंबर डी फॉर क्वेश्चन नंबर वन. ये चीज अब सबको याद रखनी है, ऐसा क्वेश्चन आए तो गलत नहीं करना है. सेकेंड क्वेश्चन एंड थर्ड क्वेश्चन दोनों ही स्क्रीन पे है, आंसर देना शुरू कर दो. देखिए क्वेश्चन सेकंड और क्वेश्चन थर्ड, और एक चीज बता दूं, ये कमेंट्स में फालतू का चैट कोई नहीं करेगा, आराम से क्वेश्चंस का आंसर दीजिए. सेकेंड बैच वाले ये सिंगल सब्जेक्ट कोर्स ले सकते हैं. ताइबा, यू आर ऑलरेडी इन द बैच, और वहां पे जो यहाँ पर कोर्स में जो भी वीडियो लेक्चर्स प्रोवाइडेड हैं आपके कोर्स में ऑलरेडी वो है. आपके इंग्लिश का सब्जेक्ट, कंप्यूटर का सब्जेक्ट, सारे सब्जेक्ट्स कंप्लीटेड हैं, ये लेक्चर्स आपके पास ऑलरेडी है, वहां से देखो, आपको लेने की जरूरत नहीं है. चलो देखो आंसर मिल रहा है, शी हैड फ्रीक्वेंट टूथ एक्स सो शी डिसाइडेड टू डैश हर टीथ. क्या अब यहाँ पर टू है, टू रिमूव, टू रिमूविंग, टू हैव हर टीथ रिमूव, टू हैविंग हर, तो टू के बाद वी ऑल नो जनरली वी यूज टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, मतलब ये इन्फिनिटिव होता है. तो सिंपल सा आंसर है, शी हैड फ्रीक्वेंट हेडेक्स सो शी डिसाइडेड टू रिमूव हर टीथ, ये आंसर होगा ऑप्शन ए, ठीक है ना, सबका आंसर सही है. नेक्स्ट थर्ड, द इंजीनियर्स डैश द ब्रिज सिंस लास्ट ईयर. अब यहाँ पे क्या दिया है, सिंस लास्ट ईयर, एंड दिस इज वेरी मच क्लियर टू एवरीबडी. मैंने बहुत बार क्लास में बताया है, जब आप सिंस या फॉर यूज करते हो किसके साथ, टाइम क्लॉज के साथ, फॉर ड्यूरेशन के लिए, सिंस पर्टिकुलर टाइम के लिए, तो जनरली हम कौन सा टेंस यूज करते हैं, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस. तो यहां पर कौन सा है परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, ऑप्शन सी, द इंजीनियर्स हैव बीन रिपेयरिंग दिस ब्रिज सिंस लास्ट ईयर, आंसर हो जाएगा सी. क्लियर एवरीबडी, चलो अब आगे बढ़े. लेट्स सी क्वेश्चन नंबर फोर एंड क्वेश्चन नंबर फाइव, पढ़िए क्वेश्चंस और आंसर दीजिए. So your question number four is, it is time we dash with determination, act, acted, have acted, will act. बताइए, ये question थोड़ा सा tricky है, और ये मैंने आप लोगों को I guess जब tense पढ़ाया होगा या आपने previous practice sets देखे होंगे तो मैंने ये वाला sentence का जो rule है आपको जरूर करवाया होगा. तो बताइए fourth का answer. Some students are saying option C, some are saying A, some are saying B, D. मतलब सबके सब गलत हो. यहां पर देखो, मैंने बहुत बार ये चीज आप लोगों को बताई है, जब मैंने आपको past indefinite tense पढ़ाया होगा, कि whenever the sentence starts with this kind of phrase, it is time, या फिर it is high time,
ऐसे कुछ फ्रेज से आपका सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है, और इसके बाद क्या है आपका कोई भी सब्जेक्ट, सब्जेक्ट मतलब ही शी इट दे वी अस कुछ भी हो सकता है। जैसे यहाँ पर वी दिया है, इट इज टाइम, और ये सब्जेक्ट हो गया वी। तो जब इस फ्रेज से आपका सेंटेंस स्टार्ट होता है, यू ऑलवेज हैव टू यूज सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब। क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ पास्ट इंडेफिनेट टेंस का यूज करना है, सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब आपको यहाँ पे लगानी है। अब ये चीज बोलने में अजीब लगती है, जब हम इसको बोलते हैं, हम इसे रीड करते हैं, तो हमें लगता है कि नहीं, ये बोलने में सही नहीं लग रहा। लेकिन जरूरी नहीं है जो चीज बोलने में सही लगे वही ग्रामेटिकली करेक्ट हो, है ना। तो इट इज टाइम वी एक्टेड विद डिटर्मिनेशन, ग्रामेटिकली दिस वन इज करेक्ट, ऑप्शन नंबर बी। तो ये चीज याद रखनी है, जब ये फ्रेज हो उसके बाद कोई भी सब्जेक्ट हो, तो उसके बाद ऑलवेज वर्ब की सेकेंड फॉर्म लगती है। दिस इज पॉइंट नंबर वन। पॉइंट नंबर टू, अगेन यही फ्रेज दिए हो और सब्जेक्ट के बाद सब्जेक्ट की जगह टू लगा हो, मतलब ही शी वी ये सब कुछ ना लगाओ, टू लगा हो, तो आप वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इसी सेंटेंस को मैं ऐसे लिख दूं, इट इज टाइम टू डैश विद डिटर्मिनेशन। अब देखो, इट इज टाइम के बाद कोई सब्जेक्ट नहीं है, क्या दिया है, टू दिया है, तो टू के बाद क्या लगेगा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तब हम लगाएंगे टू एक्ट विद डिटर्मिनेशन। लेकिन टू की जगह कोई भी सब्जेक्ट दिया है, तो सेकेंड फॉर्म ऑलवेज। क्लियर एवरीबॉडी? तो यहां पे आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। उसी उसी के साथ क्वेश्चन नंबर फाइव, क्वेश्चन नंबर फाइव क्या है, जस्ट एज इन अ फैमिली इट इज द विलिंग कॉपरेशन ऑफ इट्स मेंबर्स दैट डैश हैप्पीनेस एंड कंटेंटमेंट, सो इट इज इन द लार्जर फैमिली ऑफ द नेशन। यहाँ पे सिंपली आंसर क्या आएगा, ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि पूरा का पूरा जो सेंटेंस है वो किसमें है, प्रेजेंट टेंस में, और एक बहुत प्रेजेंट टेंस में जनरल सी बात की जा रही है कि जैसे एक फैमिली में होता है वैसे ही कॉपरेशन होना चाहिए किसका, जस्ट एज इन अ फैमिली इट इज द विलिंग कॉपरेशन ऑफ इट्स मेंबर्स दैट ब्रिंग्स हैप्पीनेस एंड कंटेंटमेंट, सो इट इज इन द लार्जर फैमिली ऑफ द नेशन। जैसे मतलब घर में होता है, सब अपनी विलिंगनेस से हैप्पीनेस लाते हैं, विलिंगनेस से इन्वॉल्वमेंट दिखाते हैं, वैसे एक नेशन में होना चाहिए। जस्ट एक सिंपल सी स्टेटमेंट यहाँ पर दी है, जनरल सी बात की गई है। तो इट इज ऑल एवरी पार्ट ऑफ सेंटेंस इज इन प्रेजेंट टेंस, तो आंसर हो जाएगा सी। ठीक है, हो गया यहां तक, बढ़े आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सिक्स। अब यहां से क्वेश्चन का पैटर्न थोड़ा सा बदल गया। क्या बोला है, विच पार्ट ऑफ सेंटेंस ए बी सी डी ई इज ग्रामेटिकली इनकरेक्ट। हमें एक सेंटेंस है, आई हैव बीन वर्किंग इन माइक्रोसॉफ्ट सिंस द पास्ट 10 ईयर्स, ये चार हिस्सों में डिवाइड किया है, फिफ्थ है नो एरर। इन चारों में से ग्रामेटिकली कोई भी गलती है तो यू जस्ट हैव टू फाइंड आउट द मिस्टेक, कहां पे गलती है, ग्रामेटिकल एरर ऑन द बेसिस ऑफ टेंस। वेरी नाइस, एवरी वन इज सेइंग ऑप्शन सी इज करेक्ट, बिल्कुल सही। आई हैव बीन वर्किंग इन माइक्रोसॉफ्ट सिंस द पास्ट, नहीं फॉर द पास्ट 10 ईयर्स, और इसका रीजन सबको पता है, 10 ईयर्स क्या है यहाँ पे, ड्यूरेशन ऑफ टाइम, पीरियड ऑफ टाइम, और पीरियड ऑफ टाइम के लिए हम सिंस नहीं लगाते, हम फॉर लगाते हैं। तो आंसर क्या हो गया, ऑप्शन सी है हमारा एरर पार्ट ऑफ द सेंटेंस। वेरी नाइस, लेट्स मूव फॉरवर्ड। क्वेश्चन नंबर सेवन देखो, सिमिलर पैटर्न, अगेन आपको क्या करना है, पार्ट ऑफ सेंटेंस में कोई एरर है तो दैट यू हैव टू फाइंड आउट। ईदर ऑफ माई ब्रदर आर वॉचिंग द मूवी शो और नो एरर। हाँ जी बताइए, क्वेश्चन नंबर सेवन का आंसर। वेरी नाइस, आजरा का आंसर मिला है, शबीना का आंसर मिला है, वेरी नाइस, एवरीवन इज सेइंग इज होना चाहिए, दैट इज ऑप्शन सी, बिल्कुल सही। सिंपल सी चीज है, ईदर ऑफ का मतलब क्या होता है, दो में से कोई एक, है
है ना, जब दो में से एक कोई जो है वो मूवी शो देख रहा है, तो वाई टू यूज आर, हम यहाँ आर नहीं लगाएंगे। ईदर ऑफ माई ब्रदर इज वॉचिंग द मूवी शो, दोनों में से कोई एक देख रहा है, दोनों होता तो बोथ ऑफ माई ब्रदर्स होता, राइट? सो आंसर अगेन क्या होगा, सी, वर्ब का एरर है, आर की जगह इज होना चाहिए। वेरी गुड, चलो आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। फिर क्वेश्चन नंबर 8 और क्वेश्चन नंबर 9, यहां पर करेक्ट वर्ब फॉर्म चूज करनी है आपको दोनों में, दोनों ही आसान है, देखो और बताओ क्या आंसर होगा। वेरी नाइस, एवरी वन इज गिविंग करेक्ट आंसर्स। नीदर ऑफ योर रिस्पॉन्सेज आर इज एम सेटिस्फेक्ट्री, नीदर ऑफ मतलब तुम्हारे दोनों रिस्पॉन्सेज में से कोई एक भी सेटिस्फेक्ट्री नहीं है, तो आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे, इज सेटिस्फेक्ट्री। नेक्स्ट, ईदर ऑफ दीज टू स्मॉल कार्स इफ प्रॉपरली मेंटेन्ड डैश शो टू गिव ओवर 30 माइल्स पर गैलन इन हाईवे ड्राइविंग, तो क्या हो जाएगा, इज शो टू गिव, ईदर ऑफ दीज टू स्मॉल कार्स मतलब दोनों में से कोई एक स्मॉल कार है ना, तो अगेन आंसर हो जाएगा इज। सिंपल सी बात होती है, जब नीदर या ईदर दोनों से वर्ड्स में से कोई एक वर्ड आपको दिया हो एट द बिगिनिंग ऑफ द सेंटेंस, आप वर्ब कैसी लगाते हो, सिंगुलर वाली लगाते हो, है ना? सिंगुलर क्यों लगाते हो, क्योंकि दोनों ही दो में से चॉइस की बात करते हैं, दो में से एक नहीं, इसीलिए। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 11, करेक्ट वर्ब फॉर्म्स, हाँ जी। सो क्वेश्चन 10 क्या है, द कार ब्रोक डाउन एंड वी डैश गेट अ टैक्सी, वी वर टू गेट अ टैक्सी, वी आर टू गेट अ टैक्सी, वी हैड टू और वी हैव टू, तो यहां पे करेक्ट आंसर क्या होगा। क्वेश्चन 10 का आंसर मिल रहा है ऑप्शन ए, कुछ कह रहे हैं ऑप्शन सी, कुछ डी, क्वेश्चन 10 का आंसर है ऑप्शन नंबर सी। पहली चीज, द कार ब्रोक डाउन, ब्रोक डाउन, ब्रोक इज द सेकेंड फॉर्म, मतलब टेंस कौन सा चल रहा है यहाँ पे, पास्ट, तो यहाँ पे आर और हैव तो आ ही नहीं सकता, मतलब बी और डी ऑप्शन तो आ ही नहीं सकता, दोनों प्रेजेंट में वर्ब्स हैं, है ना, वर टू और हैड टू। अगर मैं वर टू लगाती तो वर टू का मतलब होता अबाउट टू गेट अ टैक्सी, है ना, अबाउट टू, लेकिन यहाँ बोला कार टूट गई या ब्रोक डाउन हो गई, खराब हो गई, हमें लेनी पड़ी एक टैक्सी, लेनी पड़ी मतलब हैड टू, ऑप्शन हो जाएगा सी, हैड टू, पास चल रहा है। नेक्स्ट, डिड द चाइल्ड डैश फ्रॉम द चेयर, फेल, फॉलन, फॉलिंग और फॉल, क्या आंसर है 11th का, समीना चारक ऑप्शन ए कहते हैं, ओके जल्दी से बताइए 11th का आंसर, मोस्ट ऑफ यू आर सेइंग 11th का आंसर ए होना चाहिए, तो मुझे एक बेसिक सी चीज बताओ, अगर आप लोगों को बेसिक पैटर्न ऑफ टेंस पता है, बेसिक तो सबको पता होगा कौन सा टेंस कैसे लिखा जाता है, तो आप मुझे बताओ आपको ये किसने पढ़ाया टेंस में कि डिड के बाद वर्ब की सेकेंड फॉर्म लगती है, किसने आपको ये पढ़ाया है कि डिड के बाद वर्ब की सेकेंड फॉर्म लगती है, क्योंकि कभी नहीं लगती, क्यों, क्योंकि डिड खुद ही एक सेकेंड फॉर्म है, जब भी आपको सेंटेंस में डिड एज हेल्पिंग वर्ब दिया होता है यू ऑलवेज हैव टू यूज फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, तो यहां पर क्या लगेगा, ऑप्शन डी, डिड द चाइल्ड फॉल फ्रॉम द चेयर, ठीक है, यहां पर फेल नहीं लगेगा, डिड ऑलरेडी पास्ट टेंस है, ऑलरेडी पास्ट इंडेफिनेट है, तो आंसर होगा डी। ऐसी गलतियां एग्जाम में करके आते हो फिर बोलते हो कि हमने तो सही किया था, आंसर की गलत है। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, अगेन एरर सेंटेंस है, चार पार्ट्स आपको दिए हैं, फाइंड आउट करो कहां पर टेंस का एरर है।
ओके, सो बताइए क्या आंसर दिखा आपको, क्या ऑप्शन दिखा यहां पर? ठीक है, चलो चेक करते हैं क्या बोला है। येस्टरडे द ऑर्गेनाइजिंग कमिटी ऑफ द प्रेस्टिजियस एनुअल इवेंट अपोलोजाइज फॉर पुटिंग द यूनिवर्सिटी एंड द वॉर्टन स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन इन एन ऑकवर्ड पोजिशन। कि येस्टरडे के कोई इवेंट डिस्क्राइब किया कि कल ऐसा हुआ था, ठीक है, ऑर्गेनाइजिंग कमिटी जो थी उन्होंने क्या किया, अपोलोजाइज किया था, कब, कल किया था। तो यहां पर अपोलोजाइज नहीं आएगा, इसका सेकेंड फॉर्म आएगा अपोलोजाइज्ड। सिंपल, जब येस्टरडे बोला है मतलब पास्ट इवेंट, पास्ट हैपनिंग, और जब पास्ट हैपनिंग होती है हम सिंपली क्या यूज करते हैं, पास्ट इंडेफिनेट टेंस। पास्ट इंडेफिनेट टेंस का मतलब क्या होता है, वर्ब की सेकेंड फॉर्म। तो आंसर क्या होगा हमारा, ऑप्शन नंबर बी। समझ आया सबको, ग्रेट। चलिए अब आगे देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 13, क्वेश्चन 14, ध्यान से पढ़िएगा आप सब लोग। If it was not yesterday in the sentence, अगर yesterday नहीं होता तो then apologize बोलना सही था, लेकिन committee बोला है तो first form के साथ एस या es लग जाता, क्योंकि committee हम singular noun consider करते हैं, ठीक है। तो organizing committee apologize for putting the university, यहाँ पर yesterday नहीं होता तो obviously हम इसको generally present tense में लेके चलते, ठीक है। ऑफलाइन इंस्टीट्यूट, हमारा ऑफलाइन इंस्टीट्यूट जम्मू में है, करण नगर, करण नगर आम्फला में, श्री इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन, वहां पे हमारी ऑफलाइन क्लासेस होती है, करण नगर आम्फला जम्मू, ठीक है। जैसे कि मैंने बताया, मंडे से नहीं, थर्सडे से, 6 अक्टूबर से कमिंग क्लासेस शुरू हो रही हैं, डिटेल्ड बैचेस फिर से स्टार्ट हो रहे हैं। सो इफ एनी ऑफ यू इज इंटरेस्टेड, आप लोग हमें कॉल करिए या फिर हमारे इंस्टीट्यूट पे विजिट कर लो। हाँ जी, तो 13 और 14 का आंसर देखते हैं एक बार। लास्ट नाइट द रेजिडेंट्स डैश टू डिस्कस ऑकरेंस ऑफ थेफ्ट इन द लोकैलिटी। अब बोला है लास्ट नाइट, अगेन जैसे प्रीवियस सेंटेंस में क्या था येस्टरडे, इस सेंटेंस में क्या बोला है लास्ट नाइट। जब ऐसे वाले वर्ड्स हमें दिए होते ना, येस्टरडे, लास्ट नाइट, लास्ट इवनिंग, ऐसे करके पास्ट का कोई टाइम या एग्जैक्ट डे या कुछ हमें डेट बोला होता है, तो इट इज वेरी वेरी सिंपल कि हमें पास्ट की कोई इवेंट बताई गई है, पास्ट में कुछ हुआ था, लास्ट नाइट कुछ हुआ था, येस्टरडे कुछ हुआ था, ये बताया गया है। तो इस वक्त सिंपली हम लोग क्या यूज करते हैं, पास्ट इंडेफिनेट टेंस। हम सिंपली क्या यूज करेंगे, असेंबल्ड, ओनली द सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब। द रेजिडेंट्स assembled to discuss the occurrence of theft in the locality. Done. उसके बाद next, the newspaper dash seven cases of gruesome crime in the city yesterday. Again yesterday, newspaper ने yesterday क्या किए, report किए, तो again जब yesterday दिया है तो आप लोग क्या लगाओगे, simple verb की second form reported, ठीक है। जब आपको past का day या past का डेट दिया होता है, फॉर एग्जाम्पल येस्टरडे की जगह कोई पास्ट की डेट दे दी होती, तो आप सिंपली वर्ब की सेकेंड फॉर्म लगाते हो, ठीक है। हो गया यहां तक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फटाफट, क्वेश्चन 15 एंड क्वेश्चन 16। सो क्वेश्चन नंबर 15, द फार्मर्स डैश देयर फार्म्स इफ दे हैड नोन दैट द थंडर स्टॉर्म वॉज अप्रोचिंग। इफ दे हैड नोन, तो वो ऐसा करते, इफ दे हैड नोन, इफ वाला क्लॉज और क्या लगा है, हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म। जब हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है, तो मैंने फर्स्ट क्वेश्चन, वेरी फर्स्ट क्वेश्चन में आपको क्या बताया, हम क्या लगाते हैं, वुड हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म। देखो यहाँ पे वुड हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म कहाँ है, इन ऑप्शन नंबर डी, वुड हैव
लेफ्ट ऑप्शन हो गया हमारा सही डी। सही है सबका, ग्रेट। उसके बाद नेक्स्ट देखो 15। आई डैश हार्ड टू एस्टैब्लिश द वैलिडिटी ऑफ द थ्योरी फ्रॉम मॉर्निंग। आई हैव बीन ट्राइंग हार्ड टू एस्टैब्लिश द वैलिडिटी ऑफ द कोर्स फ्रॉम मॉर्निंग। आई हैड, आई ट्राइड, आई एम ट्राइंग। अब देखो यहां पे क्या बोला है, फ्रॉम मॉर्निंग, ठीक है। हमें फॉर या सिंस ऐसा कुछ नहीं दिया कि हम लोग हैव बीन ट्राइंग करें। सुबह से ट्राई कर रहा हूं, तो सिंपली यू विल से आई एम ट्राइंग हार्ड। आई एम ट्राइंग हार्ड टू एस्टैब्लिश द वैलिडिटी ऑफ द थ्योरी फ्रॉम मॉर्निंग। सिंस या फॉर होता, फॉर एग्जाम्पल मॉर्निंग के साथ तो सिंस लगेगा, सिंस मॉर्निंग होता देन आई, अवर आंसर शुड बी हैव बीन ट्राइंग। यहां पर फ्रॉम दिया है, ठीक है, तो विल सिंपली से आई एम ट्राइंग। आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, फ्रॉम के साथ। फ्रॉम के साथ आप हैज, हैव, हैड और जो बीन और आई एन जी लगाते हो वो नहीं लगा सकते, वो सिर्फ सिंस और फॉर के साथ लगते हैं। कुछ कुछ चीजें जो एक्सेप्शंस हैं वो दिमाग में रखनी होती हैं। नाउ द लास्ट टू क्वेश्चंस देखो जल्दी से, दोनों ही एरर क्वेश्चंस हैं, तो बताइए कहाँ पर एरर है। फर्स्ट बोला है द परस्यूट ऑफ वेलनेस लीड टू एन इंक्रीज इन ह्यूमन हैप्पीनेस स्पेशली फॉर दोज हु प्रोवाइड इट। बताइए यहां पर कोई टेंस का या वर्ब की फॉर्म का एरर है। ओके, आजरा का कहना है ऑप्शन सी, ऑप्शन ए, आप देखो कहां से क्या एरर है। द परस्यूट ऑफ वेलनेस लीड टू एन इंक्रीज, आंसर है ऑप्शन नंबर बी। क्यों है ऑप्शन बी आंसर? द परस्यूट ऑफ वेलनेस लीड नहीं आएगा, लीड्स आएगा। क्यों? क्योंकि प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस, द वेरी बेसिक टेंस, द वेरी फर्स्ट टेंस जो हम पढ़ते हैं, कि जब आपका सब्जेक्ट सिंगुलर थर्ड पर्सन होता है तो आप वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस लगाते हो। जैसे ही प्ले नहीं होता, ही प्लेज होता है, वैसे ही द परस्यूट ऑफ वेलनेस सिंगुलर है, लीड नहीं आएगा, लीड्स आएगा। आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच पार्ट ऑफ द सेंटेंस हैज एन एरर? इफ यू विल कम टू अवर हाउस टुमारो वी शैल प्ले हाइड एंड सीक टुगेदर। तो यहां पर तो आंसर सबको पता होगा, मैंने आप लोगों को पहले सेंटेंस में ही बताया कि जो इफ वाला पार्ट होता है उसको हम सिर्फ तीन टेंसेज में लिखते हैं, प्रेजेंट, पास्ट इंडेफिनेट, पास्ट परफेक्ट। मैंने आपको कहीं नहीं बताया कि जो आपका इफ वाला क्लॉज होता है वो फ्यूचर में लिखा जाता है, तो इफ वाला क्लॉज कभी भी फ्यूचर में नहीं होता। आप यहां से विल हटाओगे, इफ यू कम टू अवर हाउस टुमारो वी शैल प्ले हाइड एंड सीक टुगेदर, यहाँ पे विल का यूज गलत है, ठीक है। इफ क्लॉज इज नेवर इन फ्यूचर टेंस, तो आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन ए और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आई गेस ये सबको अच्छे से समझ आया है, वेरी गुड। तो ये थे आपके टेंस पे क्वेश्चंस जो मैंने आपको प्रैक्टिस क्वेश्चंस करवाने थे, ठीक है। फिर भी किसी को लगता है कि उसको टेंस में डाउट है, उसको प्रॉब्लम आ रहा है अभी टेंस में, तो आप मेरा इंग्लिश का कोर्स ज्वाइन कर सकते हो ऑन ऐप। अगर आप में से कोई ऐसा है जो अफोर्ड नहीं कर सकता 300-400 रुपीज ऐप पे ज्वाइन करना, डोंट वरी, आप हमारे यूट्यूब पे प्लेलिस्ट सेक्शन में जाओगे तो वहां पर थोड़ा सा स्क्रोल अप डाउन करना, वहां पे आपको इंग्लिश का प्लेलिस्ट मिलेगा फॉर बैंक एंड जेके एस एस बी एग्जाम्स का। इंग्लिश का एक कंप्लीट प्लेलिस्ट है जहां पे मैंने ग्रामर के टॉपिक्स पढ़ा रखे हैं, आप वहां से पढ़ लो टेंस का टॉपिक, ठीक है। क्वेश्चंस रॉन्ग होते हैं क्योंकि हम लोग को लगता है हम पढ़ लेंगे सेंटेंस और सही हो जाएगा, ऐसा नहीं होता। यू हैव टू रिमेम्बर थिंग्स, आपको एक्सेप्शंस याद रखनी है, आपको एक्स्ट्रा पॉइंट्स याद रखने हैं, और वो याद ऐसा नहीं कि क्रैम करना और क्रैम करोगे कोई भी अलग सेंटेंस देख के आ जाएगा, नहीं। ये आपका सॉल्यूशन है, इंग्लिश का सॉल्यूशन सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस है और करेक्शन है, प्रैक्टिस करके खुद को सही भी करना है, ठीक
ठीक है ना। चलो सो क्वेश्चंस हो गए। अब कब सब लोगों का कहना होता है कि हमें वोकैबुलरी में इश्यू आता है, तो आई हैव डिसाइडेड, पहले भी मैं काफी बार करवा चुकी हूँ कि एट द एंड ऑफ द सेशन मैं आप लोगों को कुछ वोकैबुलरी या कुछ वर्ड्स आप लोगों को करवाऊंगी। तो पहला वर्ड जो मैं आपको करवा रही हूँ दैट इज कंटेम्प। मैंने यहाँ पे हिंदी में मीनिंग भी लिखा है। कंटेम्प का मतलब क्या होता है? किसी को डिसरिगार्ड करना, किसी से नफरत करना, या ऐसे एक्शंस करना जो डिसरिगार्डफुल हो। तो सिंपल इसका मीनिंग क्या आ जाएगा? डिस्डेन, डिसरिगार्ड, डिस्पाइस, ट्रीट विद कंटेम्प, मतलब नफरत से ट्रीट करना। और अपोजिट क्या आ जाएगा? किसी को रिस्पेक्ट देना, ऑनर करना, ये इसके अपोजिट्स आ जाएंगे। ठीक है, तो कंटेम्प्ट का मतलब होता है ट्रीट विद डिसरिगार्ड और डिसरिगार्ड, डिसऑनेस्टी से ट्रीट करना, ऐसा भी डिसऑनर करना, नॉट डिसऑनेस्टी। उसके बाद नेक्स्ट वर्ड इज एडेशियस, विच इज एन एडजेक्टिव। एडेशियस का मतलब होता है क्या होना? ग्रीडी होना, लालची होना। लालची होने की क्वालिटी को, ये क्वालिटी वर्ड है, उसे हम बोलते हैं एडेशियस। फॉर एग्जाम्पल, एडेशियस पर्सन मतलब लोभी पर्सन, ग्रीडी पर्सन। डन। तो इसके सिमिलर वर्ड्स यानी कि सिनोनिम्स क्या आ जाएंगे? एसुरियंट, ग्लुटोनस, ग्रीडी, तीनों वर्ड्स ध्यान में रखने हैं। और एंटोनिम्स क्या आ जाएंगे? दीज वन, कंटेंट, ग्लटेड, सेटेड, दीज आर द अपोजिट्स। नेक्स्ट वन, ट्रेड्यूस, जो कि एक वर्ब है, ये बोलने का तरीका है। झूठ बोल के या फिर गुस्से से बोल के किसी को डिफेम करना, किसी को बदनाम करना, झूठ झूठी बातें बोलकर बदनाम करने का जो एक्शन होता है उसे ही हम लोग क्या कहते हैं? ट्रेड्यूस। ट्रेड्यूस सिंपल मीनिंग मतलब डिफेम करना, झूठ बोलना, ठीक है, बदनाम करना। तो दीज आर द वर्ड्स जो आप इसके लिए नोट डाउन कर सकते हो। आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले लो ताकि अगर रिवाइज करना हो तो आप कर सको। नेक्स्ट लास्ट वर्ड इनकर्शन, ये तो सुना होगा सबने। इनकर्शन का मतलब होता है अटैक, हमला करना, आक्रमण करना, ठीक है ना। सो आक्रमण, अटैक, ये जो वर्ड्स हैं इसके लिए अनदर वी वर्ड वी कैन से इनकर्शन। एज यू कैन सी, अटैक, असॉल्ट, रेड ऑन, सडनली किसी पे अटैक कर देना, दैट इज व्हाट वी मीन बाय इनकर्शन। सो दीज आर द फोर वर्ड्स जो मुझे आज आपको करवाने थे। कल की क्लास हमारी, मैं आपको पहले ही बता दूं, कल जो आपकी क्लास होगी वो हम वर्ब्स एंड मोडल्स पे करेंगे। ठीक है, ये आपका कल का टॉपिक है, तो आप इस टॉपिक को रिवाइज कर लो ताकि जब हम कल इस पे क्वेश्चंस करें तो आपका रिवीजन हो जाए, प्रैक्टिस हो जाए। ऑल राइट, सबसे टफेस्ट इंग्लिश सेक्शन लगता है, कोई बात नहीं, लगता है तो पहले तो अपने बेसिक्स क्लियर करो, सारे लेक्चर्स अच्छे से पढ़ो और उसके साथ साथ प्रैक्टिस करना शुरू करो, मुश्किल कम जरूर होगी। ठीक है एवरीबॉडी, सो किसी को कोई भी डाउट हो तो डू टेल मी इन द कमेंट सेक्शन, मुझे बता दीजिएगा। और जैसे कि मैंने आप लोगों को पहले भी इन्फॉर्म किया, आप पर ऑफर्स चल रहे हैं, आप में से कोई भी विलिंग है कोर्सेज ज्वाइन करने के लिए, मेरे सिंगल सब्जेक्ट कोर्सेज, कम्युनिकेशन स्किल्स, दिस कंप्यूटर एंड इंग्लिश, तीनों सब्जेक्ट जो मेरे हैं उनका, उसका भी एक सिंगल कोर्स है, यू कैन ज्वाइन ऑन ऐप। ऑफर चल रहा है अभी, आप लोगों को ऑफ भी मिल जाएगा, ठीक है ना। और जैसे मैंने पहले भी इन्फॉर्म कर दिया, ऑफलाइन क्लासेस थर्सडे से स्टार्ट हो रही हैं, तो रजिस्ट्रेशन इसके लिए ओपन है, लिमिटेड सीट्स ही होंगी ऑब्वियसली। तो आप लोग जल्दी से अब हमें कॉल करके रजिस्टर करवा लो ताकि आप लोगों की सीट्स जो हैं वो हम लोग रख सकें। ठीक है, सो टेक केयर, बाय बाय, एंड क्लास कल 4 बजे है, रिमेम्बर, याद रखना है सबको, डू रिमेम्बर द टाइमिंग ऑफ द क्लास, 4 बजे सब लोग यूट्यूब पे आ जाइएगा। सो बाय बाय।